पटना सिटी के प्लीजेंट बेली स्कूल में आज साइंस एग्जीबिशन मनोरंजन के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन स्कूल के निदेशक श्री ललन कुमार सिंह एवं प्राचार्य अरविंद कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस विज्ञान प्रदर्शनी में स्कूल के छात्र छात्राओं ने एक से बढ़कर एक प्रदर्शनी लगाई। विशेष रूप से इस साइंस एग्जीबिशन में बच्चों ने चंद्रयान 3 मॉडल, स्वचालित रेलवे क्रॉसिंग, फायर अलार्म सिस्टम आदि मुख्य प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहा। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा फूड स्टॉल भी लगाया गया। हालांकि इस विज्ञान प्रदर्शनी में कई तरह के प्रदर्शनी देखने को मिली और बेहतर प्रदर्शन करने वालों को सम्मान भी दिया गया। इस दौरान बच्चों के द्वारा कई तरह की सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किया गया। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इस तरह के विज्ञान प्रदर्शनी से बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा को उभारने की कोशिश की जाती है। हमारे स्कूल के बच्चे, उसमें से कुछ वैज्ञानिक है, कुछ इंजीनियर है, कुछ डॉक्टर्स है, उनका भविष्य तो एक स्कूल ही बनाता है और इस तरह कार्यक्रम स्कूल में होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता है कि दूध से दही कैसे बनता है, जबकि ये साइंटिफिक चेंज है, केमिकल चेंज है। लेकिन हम ज़्यादा चाहते हैं कि वर्किंग मॉडल पे ध्यान दें। इस वर्किंग मॉडल के साथ साथ उसे क्या सीखते हैं, वो हमारे शिक्षक उनको मदद किया, उन्होंने करवाया। इसके साथ साथ हम लोगों ने आज क्रिसमस डे का ही सेलिब्रेशन किया और स्टॉल, फन और फूड का भी लगवाया। बच्चों ने एक से एक बढ़कर मॉडल बनाए, जिसका आप लोगों ने भी देखा, बच्चों से आपने डिस्कशन किया, हमने भी देखा, हमने भी डिस्कस किया, हमको भी संतोष प्रद आंसर दिए उन्होंने। हम आज के चाहते हैं कि हम ही क्यों भारत के हर स्कूल ऐसा प्रोग्राम आयोजित करे, चाहे वो एफिलिएटेड हो नॉन एफिलिएटेड हो, बच्चे को तो शिक्षा सब कुछ दे रहा है। एक बेहतर समाज की कल्पना करते हैं हम, जिसमें बच्चे हमारे डेवलप करें। और आप जैसे मीडिया वालों का हम लोग सहयोग करते हैं कि हमारे शिक्षा का प्रचार प्रसार में वो हमारे एक कहीं न कहीं मदद करते हैं। जो चौथा स्तंभ है मीडिया, वो इस शिक्षा के प्रचार में बहुत तरह का हमारी सहायता करता है। इस तरह के एग्जीबिशन से बच्चों की किस तरह प्रतिभा उभर कर सामने आती है? हाँ, इसमें बच्चों की प्रतिभा ही आती है कि सिर्फ किताबी किताबी बुक वर्म होकर रह जाते हैं। इसमें प्रैक्टिकली ध्यान देना चाहिए बच्चों को। जैसे मान लेते हैं आज तापमान दिसंबर महीना है, आज देख लीजिए कितनी गर्मी है, तो ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है उस पर लोग ध्यान देते हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है। एक हमने प्रोजेक्ट देखा भोपाल का, त्रासदी गैस का, जो कि आप लोगों ने देखा, तो प्रदूषण को कम किया जाए, कैसे पृथ्वी को बचाया जाए, पृथ्वी को हरा भरा करे, ये सब बच्चों के जहन में, दिमाग में डालना चाहिए शुरू से ही, ताकि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करने का मौका उन्हें, हम तो जी लिए अपनी जिंदगी, बहुत सारा मजे कर लिए, लेकिन जो हमारे आ रहे हैं अनुज, वो क्या करेंगे, वो कैसे रहेंगे? हम पृथ्वी को न बचाएंगे, हम उनको न सिखाएंगे, तो पृथ्वी को बचाएंगे कैसे? या बचाएंगे नहीं तो रहेंगे कहाँ? ये सब समस्या के बारे में हम लोग बच्चों को बताते हैं सर।